आज हमारे कंटोनमेंट के डायनेमिक लीडर श्री जी शायना, जो पूरे तेलंगाना स्टेट में सेकुलर एमएलए थे और उनकी कारकर्दगी जो है हर जगह कोई भी नाम लिए तो शायना बोले तो 79 से आप एमएलए हैं और हम लोग पूरे एमएलए टीम है। सीनियर ना हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे परवेश भाई पूरे जो है ना पुराने लोग हैं और सब लोगों को जो है शायना का ऐसा सदमा होने की वजह से हम लोग को बहुत शॉक हो गया और हम लोग सब जो है दुआ कर रहे हैं शायना के लिए। और टीआरएस में वीआरएस में अभी जितने भी लीडर हैं सब में नंबर वन शायना थे और शायना के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे कि भाई अभी केसीआर साहब जो है जितने भी लोग हैं पुराने लोग हैं उन लोगों का भी कुछ ख्याल करें। अब जितने लोग जो है खिदमत गुजारी करें और सब लोग जो है जमा होकर ये करते और जो है शायना के लिए हम लोग शुरू से काम करते और पूरे लोग सेकुलर है और कंटोनमेंट की पूरे एमएलए टीम जो है पूरे लोग अफसोसनाक अफसोस महसूस कर रहे हैं शायना के लिए। और अभी शायना बोले तो अभी स्टेट में अब जैसा अब्दुल कलाम साहब थे सेकुलर लीडर और हमारे पास अब जैसा मास्टर होते जैसे वालिद होते प्रिंसिपल होते वैसे हमारे भी जो है ना गुरु थे शायना साहब और हम लोग सब जो है उनके लिए शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जय हिंद। सो से कहना पड़ रहा कि आज हमारे एमएलए साहब शायना जो हम सबको छोड़ के चले गए, आज पूरा कंटोनमेंट वो अफसोस में है और आज हमारे सर पे से उनका हाथ उठने से हम अनाथ जैसा हम फील कर रहे हैं सब लोग। आज हम कहीं के नहीं रहे तो उनका साया था हमारे पे बड़ा ऐसा साया था कि हम हर वक्त उनके साथ हम उनके बच्चे के साथ हमारे को प्रीत करते थे कि आज इतने एक आदमी इतने मशहूर आदमी इतने दयालु इतने हमारे अजीज शायना आज हम छोड़ के चले गए। बस अल्लाह उनके रूह को जन्नत आपता फरमा, बस अल्लाह उनको बस जन्नत में रखे। आज हम बस कह नहीं सक रहे, लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, इतने नेक आदमी फिर हमको ज़िंदगी में ऐसे कोई एमएलए साहब जिन्हें नहीं कभी नहीं मिलेंगे। हम बस हम उनकी आत्मा को शायना चला बाधाकर विषय प्रियतम एमएलए शायना गरण కంటోన్మెంట్ ప్రజలందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. మేము నమ్మలేకపోతున్నాం. సాయన్న అంటేనే పేరులోనే సాయం ఉంది. ఎవరు వచ్చి అడిగినా కాదనకుండా సాయం చేసే వ్యక్తి. సాయనతో మాకు చాలా దగ్గర అనుబంధం ఉంది. సాయనతో మేము ఎన్నో పనులు చేయించుకున్నాం. సాయన ఎంతోమంది పేదవాళ్లకు బడుగు బలైన వర్గాలందరికీ కూడా చాలా అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తిని పోగొట్టుకోవడం చాలా బాధగా ఉంది. మా కంటోన్మెంట్ ప్రజలందరూ చాలా బాధలో ఉన్నారు. అన్న ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అలాంటి నాయకుడు మరి పుట్టడని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. జై సాయన్న. జై సాయన్న.
أنا
ايه